माजूर बच्चों के आलमी दिन के मौके पर हमने बीकन हाउस एबटाबाद के बच्चों को अपने स्कूल में दावत दी। सुनने बोलने से महरूम बच्चों ने इशारों की जबान में कौमी तराना पेश किया। नॉर्मल और माजूर बच्चे एक साथ अपने दिलों को मिलाकर ये दिन मना रहे। स्पिनिंग फॉर फोकस एक्टिविटी करवाई गई। तेज गोल घूमने से फोकस एसाबी कुवत और सीखने की सलाहियत तेज होती है। बीकन हाउस के बच्चों के साथ माजूरी को समझने के लिए एक सरगर्मी करवाई गई, जिसमें किताब में दी गई तस्वीर को देखकर बगैर बोले दूसरे को बताना और समझना है। Are you a master of your mind and body language? तस्वीर को देखकर इशारों की जबान में बात करना एक फन है। अपने दिमाग और जिस्म को एक खूबसूरत एहसास के जरिए बयान करना माजूरी को समझने का मौका देता है। डेफनेस लोगों से दूर कर देती है और ब्लाइंडनेस चीजों से दूर कर देती है। अब देखेंगे बच्चे को कछुए की तस्वीर दिखाई गई कि वो इसके इशारे के जरिए बताए और सामने दूसरे बच्चे को मछली की समझ आई। दोबारा फिर से बच्चों ने इसको सांप समझा कि ये सांप है। आप देखें बच्चों को थर्मोमीटर की तस्वीर दिखाई गई है कि इसको बोले बगैर इशारों से दूसरों को बताएं, लेकिन दूसरा बच्चा इसको आइसक्रीम समझ रहा है। आइसक्रीम खाई है। पानी पी अब क्लास टू में देखें इनके लिए काम हम कैसे करते हैं। ये देखें इसको जो अच्छा लगे ना। आज का दिन बहुत अच्छा। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? क्लैपिंग। आपका क्या क्या लगा? आज बहुत अच्छा दिन और खुशी खुशी बहुत। खुशी किस चीज की? बच्चों को। आपको कैसे लगे? अच्छा। किस चीज में मजा आया? बच्चों के साथ टाइम बिताने में। अच्छा मुझे बताएं आप में और उनमें क्या फर्क है? ये दिन बहुत अच्छा था। अच्छा क्या अच्छा था? लोग इतना मुश्किल से गिर रहे हैं, ना बाप ना माँ, वो सुन सकते नहीं है, वो बोल सकते नहीं है। अल्लाह पाक ने बच्चों को दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह पाक ने इन बच्चों को इसलिए दुनिया में भेजा है ताकि हम सब इनको देख के शुक्र अदा करें। लेकिन आप बोल सकते हैं ना, तो हम क्या करें? शुक्र अदा करें। हम इनसे प्यार करें। क्या करें? तो बीकन हाउस के सारे बच्चों के लिए तालियां। इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी। वी आर रियली वेरी इंप्रेस्ड, अमेजिंग। प्लीज वन क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम। बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी और बच्चों का बिहेवियर और आप लोगों की स्पेशली जो यहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीचर्स हैं, जो इमोशन है, वो अप्रिशिएबल है। प्लीज क्लैप फॉर देम। वी आर वेरी और डिवोशन है, दैट इज अप्रिशिएबल। और